उमर बिन खत्ताब के दौर में एक शख्स जिना करते हुए पकड़ा गया। जब पकड़ा और उसको मारने लगे, उस पर हद नाफिज करने लगे, तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, वल्लाही मैं ये पहली दफा कर रहा हूं। ही वाज लाइंग। उमर बिन खत्ताब ने बगैर उसको जाने टोटोले उसने कहा कि अल्लाह सुभान व तआला कभी भी किसी ऐसे शख्स को जो पहली दफा गुनाह कर रहा हो एक्सपोज नहीं करता। जब इंसान बार बार गुनाह करता रहता है फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे एक्सपोज करते हैं। तो यू इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम पहली दफ़ा गुनाह करो और पहली दफ़ा ही तुम एक्सपोज हो गए। तो जो प्राइवेट लाइफ है हमारी, जो इसको पाक कर लेगा ना, अल्लाह ताला उसकी पब्लिक लाइफ को पाक कर लेगा। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें से अक्सर के नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, यू नो, सुलेमान, ताहिर हैं, मुसलमानों के नाम हैं। और हमारे आईडी कार्ड भी देखिए इस्लाम लिखा हुआ है, लेकिन क़यामत के दिन जो है ना वो आईडी कार्ड वाला जो रिलीजन है वो चेक नहीं होगा। क़यामत के दिन प्राइवेट लाइफ चेक होगी कि जब वो अकेले जाते होंगे, रात गुजर गई, माँ बाप सो गए, बहन सो गई, बीवी सो गई, अब कोई नहीं देख रहा, लाउंज में गए, ये चीज़ उनके पास है, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करना शुरू की, किसी से बातचीत की और अचानक से ख्याल आया कि यार लेट्स वॉच समथिंग, और फौरन से खोला उसको और छोटी छोटी चीज़ें देखते देखते बड़ी बड़ी गुनाहों में चले गए और फिर अपनी आँखों को और अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्लीज़ किया। ये है इस हदीस। ये अकेले गए तो किसी औरत के साथ जिना किया, अकेले होए तो शराब पी, अकेले गए तो एक्सटेसी, स्ट्रॉबेरी, आइस, एलएसडीज ये लेना शुरू कर दी। वह इधर खलौ जो प्राइवेट लाइफ में होंगे तो वो उनका मसला पता क्या होगा। यहाँ जो हदीस हमें बताती है वो लोगों से डरते होंगे, लोगों से छुपते होंगे और अल्लाह से नहीं डरते होंगे। ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है बात कि मैं आप लोगों से तो छुपूँ, हालांकि आप लोगों की क्या, आप लोग ना मुझे रिस्क देते हो, ना आप लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, ना आप लोग मुझे सेहत देने वाले हो और ना मैं आपको ये कब सब करने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों से तो छुपूं लेकिन मैं रब्बुल आलमीन से ना छुप सकूं जो मुझे हर चीज़ देने वाला है। तो अल्लाह को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि इंसान पर्दे तो बंद करे, कुंडी लगे, इंसानों से छुपे, लेकिन मुझ रब्बुल आलमीन से जो कि कादिर है इस पे कि मैं इसकी सांस रोक लूँ, मुझसे नहीं छुपा। और हम छुप के जाएँ तो कहाँ जाएँ। तो मन असलहा शरीरतहु असलहल्लाहु अलानियतहु, और जो नेक अमाल करेगा प्राइवेट लाइफ में, यानी मरियम अलैहिस्सलाम प्राइवेट लाइफ उनकी बिल्कुल पाक साफ थी। आज हम सबको पता है कि वो उस टाइम के लोग उन पे वल अयाद बिल्ला जिना की तोहमत लगा रहे थे, लेकिन वो पाक हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने छुप के दुआ की, वल्लाही कोई नहीं सुन रहा था, ना कोई जानता था। इज़नादाहु रब्बुहु निदाअन खफिया, अल्लाह खुद कहते हैं कि बड़ी छुप के उन्होंने दुआ की। जैसे मैं अभी ना कोई बंदा गाड़ी में जाके ना अल्लाह से दुआ करे, हू नोस के कौन गया किसने दुआ की, लेकिन अल्लाह ने उनको एक्सपोज कर दिया। इज़नादाहु रब्बुहु निदाअन खफिया, कि जब वो अपने रब से अकेले में मांग रहा था। तो अगर आप अकेले में नेक इंसान हैं तो अल्लाह ताला लोगों में भी आपकी मोहब्बत डाल देगा, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी करते हैं, गुनाह करते हैं तन्हाई में, तो फिर अल्टीमेटली लोग भी आपसे नाराज़ होंगे और लोगों के दिलों में आपकी इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दे विल नॉट वैल्यू यू।